हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह नया वीडियो। और आज के इस वीडियो में किचन की फिटिंग दिखाएंगे। और जो ये किचन है, ये एक इस किचन में डाउन नहीं है। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस किचन में डक नहीं है और इस किचन में फ्लोर पर ही पॉइंट बनाया जाएगा। फ्लोर पर पॉइंट बनाने के लिए आपको 2.5 इंच का साकेट इस्तेमाल करना होगा, 110 × 75 mm, जो फ्लोर लेवल को कम कर देगा। चलिए आपको साकेट दिखा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये 110 × 75 mm का सॉकेट है विक्टस कंपनी का। और आप जब इस पर, ये डाउन लाइन नीचे से आई हुई है, और इस पर आप अगर इस तरीके लगा देंगे, ये अगर इस तरह लगाएंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे एरिया में, इसके नीचे इस पर 3 इंच का समथिंग स्पेस आ रहा है, 2.5 से 3 इंच का ये छूट रहा है। और इस सॉकेट को इस एंगल में लगा लेने के बाद, इस एंगल में ये फ्लोर पर एकदम फिक्स हो जाएगा, जिससे फ्लोर लेवल अपना कम उठेगा। चलिए फिटिंग शुरू करते हैं। और ये 110 mm की रिंग है, आप देख रहे हैं, डबल लास्टिंग में कंपनी इस समय बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रिंग दे रही है, जिससे लीकेज संभावना कभी नहीं होती। अब इस पर फिक्स करेंगे, ये इसमें डबल कोटिंग है प्लास्टिक की, जो डबल चढ़ी हुई है 5 mm लेयर में, वो आपको बाहर साइड रखना है और 10 mm वाली अंदर साइड रखना है। सिल्यूशन इस पर लगाने के बाद इसको सेट करते हैं। जिस कंपनी की फिटिंग होगी उसी कंपनी का सिल्यूशन बहुत अच्छा होगा, विक्टस कंपनी का सिल्यूशन। चलिए इसे फिक्स कराते हैं। ये फिक्स हो गया, ये देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, फ्लोर लेवल में इसको कर दिया गया। अब ये ज़्यादा एरिया इसका नहीं उठेगा। कितना सिंक का? 13 इंच सेंटर लेना होगा, 24 इंच का सिंक आता है। 13 इंच के सेंटर पर ये नानी टेप रखा जाएगा, 12-13, 12-13, जिससे दिक्कत ना हो। सिंक का 20 सेंटर, इसी पर बेस्ट पाइप गिर जाएगा। काटो इसको, काटने के बाद इसको सेट करो, ग्राइंड करने के बाद। हैक्सा फ्रेम की मदद से 2.5 इंची पाइप काट लेंगे, उसके बाद सेट होगा ये। और इसी फ्रेम की मदद से पाइप को ग्राइंड करेंगे। ज़्यादा लाइन होती तो चौकसा मशीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चौकसा मशीन पर काट करके ग्राइंड कर लेते हैं। एक दो पाइप लगाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, जितना टाइम लगेगा चौकसा मशीन लगाने में उतने टाइम में ग्राइंड हो जाएंगे। हल्की सी पेपर हैक्सा फ्रेम पकड़ना होगा, जो भाई लोग हैक्सा फ्रेम की मदद से पाइप को काट करके ग्राइंड करना चाहते हैं, हल्का सा पेपर पकड़ने के बाद इस पाइप को ग्राइंड करना होगा। चारों तरफ हो गया है और अब इसको फिक्स किया जाएगा। सोल्यूशन अच्छे से लगा लेते हैं, उसके बाद सेट किया जाएगा। चारों तरफ लगाओ इसको, घुमा के जरा। दोस्तों, पीवीसी का पाइप 2.5 इंच अंदर जाता है, कॉलर अपना 2.5 इंच का होता है। चलिए अब इस पर नानी टेप सेट करते हैं। दोस्तों, किचन का पॉइंट बन गया है, जैसा कि हमने अभी बताया कि फ्लोर में चिपका करके सॉकेट लगाने का बेनिफिट। ये देखिए, हटो जरा भाई, ये देखिए, यहाँ पर 1 इंच उठा दिया गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया 1 इंच। अब ये ढाल यहाँ तक आ गई है, अगर यही सॉकेट ऊपर कर देते तो यहाँ 3 इंची स्लेब का मार्जिन बढ़ जाता। अब इस 4 इंची मार्जिन में पूरी सेटिंग हो जाएगी। और इस पर जो है आपको एक बोरी लगा देनी होगी, जिससे मसाला वगैरह इस पर ना जा सके और जाली आराम से कट जाए। इस पर बोरी लगा देना होगा, जिससे मसाले में इस पर प्रॉब्लम ना हो। ओके दोस्तों, किचन का पॉइंट बन गया, फ्लोर में इस तरह बनाना है।